नई हुंडई सेंट्रो। हुंडई ने अपनी नई सेंट्रो को आज अनाउंस कर दिया, साथ ही इसकी प्राइसिंग भी रिवील कर दी है जो कि 3,89,000 रुपीज़ से स्टार्ट हुई। लेकिन बाकी प्राइसिंग कहां तक जाती है, क्या है इसकी खासियत, आज इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फिलहाल कार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कार एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे पहली बार कुछ खास फीचर्स के साथ आई है जो सेगमेंट में लीड करेंगे। क्या क्या फीचर्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रंट में लाइटों के साथ साथ आपको फॉग लैंप मिल रहा है जो काफ़ी ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ये पूरी ब्लैक ग्रिल अच्छे एलिमेंट्स आते हैं, क्रोम अच्छा लगा देखने में। फ्रंट में नंबर प्लेट्स दे रखी गई है, ऊपर हुंडई का लोगो दिया हुआ है क्रोम के साथ में जो काफ़ी बेहतर लुक है। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो मुझे ये कार का लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं साइड की तरफ और उस पर देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है। साइड में अगर आप देखें तो जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उसी में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रियर व्यू का साइज़ जो है वाइवियम का वो भी काफ़ी बेहतर है। टायर आपको मिलते हैं 14 इंच के टायर, हालांकि ये अलॉय नहीं है, इनमें कवर दे रखे गए। कुछ कुछ नए अच्छे एलिमेंट्स बीच में मौजूद हैं जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। रूफ भी प्लेन है, शोल्डर लाइन अच्छी लग रही है, बीच में ये जो स्ट्रिप है ये भी थोड़ा सा कर्वी है, काफ़ी बेहतर। हालांकि डिज़ाइन वही पुराना है डोर खोलने का, लेकिन फील सॉलिड है इसका और दरवाजा भी काफ़ी अच्छा ओपन हो रहा है। भीतर की तरफ ध्यान से देखते हैं तो ग्रीज कलर का इस्तेमाल किया गया है, नीचे के हिस्से में उन्होंने ब्लैक का रखा है। बॉटल होल्डर्स वगैरह मौजूद है, काफ़ी अच्छा लगा है। चलिए पहले बाहरी अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। अब आइए पीछे की तरफ देखते हैं पीछे का क्या हाल है। ग्लास एरिया भी ठीक साइज़ का है, वाशर दे रखा है, डिफॉगर मौजूद है, रियर वाइपर मौजूद है, नीचे कैमरा मौजूद है और पार्किंग सेंसर्स। हालांकि पार्किंग सेंसर्स केवल दो ही दिए गए हैं। ये कुछ जो डिज़ाइन एलिमेंट है जिन्हें आप आगे भी देख रहे थे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो अच्छे लुक में आ रहे हैं। आप पूरी ओवरऑल डिज़ाइन भी यहाँ से यहाँ देखें तो आपको लगेगा कोई एक अच्छी कार को आप देख रहे हैं। ये काफ़ी बेहतर देखने में लग रही है सेंट्रो की बैजिंग। कुछ भी नाम के आगे प्री और बाद का कुछ भी नहीं लगाया गया है, हालांकि इन्होंने प्रॉपर उसके लिए एक कैंपेन चलाया था सेंट्रो के आगे क्या लगा है, सेंट्रो के पीछे क्या लगा है, और सेंट्रो के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, नाम केवल ऑल न्यू सेंट्रो और ये अष्टा वेरिएंट है। लाइटिंग अच्छी लग रही है, हालांकि इस लाइटिंग को देख के कुछ लोग दूसरी कंपनीज की कार की बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है। चलिए आइए आप आपको दिखाते हैं पीछे की सीटिंग का क्या हाल है। स्पेस अच्छा है और हेडरूम भी बहुत शानदार है, लेगरूम बहुत शानदार है। हाँ ये थोड़ा सॉफ्टी है, ये इसकी कमी है, हेडरेस्ट थोड़ा सा सॉफ्टी के हार्ड होता तो बेहतर होता, लेकिन स्पेस बहुत अच्छा है। आपको एसी वेंट मिल रहे हैं जो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। रूमी लग रहा है पूरा इंटीरियर क्योंकि ये वाइट उसमें है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे बेहतरीन पॉलिश्ड इंटीरियर है। अगर आप स्पीकर्स को ध्यान देखें तो इसमें साइड में डिटेलिंग्स दे रखी है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। डिटेलिंग स्पीकर्स के साथ साथ आपको मिलेगी आगे के एसी वेंट में भी, वहाँ भी काफ़ी अच्छा फील करा रही है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और उसका क्या हाल है। ड्राइविंग सीट का स्पेशली ओहो हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल यही डिटेलिंग मौजूद है। नॉर्मली इसको देख के अगर इसकी केवल फ़ोटो केवल आप देखें तो हो सकता है आप चौंक जाए कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी की कार कौन सी हो सकती है। लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ भी आप देखें तो एक अच्छी डिटेलिंग के साथ में है। हालांकि ये रबरी फील कर रहा है, पता नहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा चलना चाहिए। बगैर चाबी की गाड़ी कैसे चलेगी, खैर कोई बात नहीं। स्टीयरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स हैं जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था। इंस्ट्रूमेंट पैनल बिल्कुल सिंपल है, कुछ थोड़ा सा अलग है जो ग्रैंड आइटन में आया करता था। टच स्क्रीन दिया रखा गया है इसमें, स्विचेस भी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं क्वालिटी वाइज, एसी के बटन और ये सारे रबर बटन हैं जितने भी दे रखे गए हैं, थोड़ा बेहतर रहेंगे, हो सकता है इसकी ड्यूरेबिलिटी ठीक आए। ये जो पोजीशन अलग है, ये यूएसबी पोर्ट जो काफ़ी इन्होंने नीचे की तरफ दे रखा है थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ मुझे ये गियर बॉक्स की पोजीशन भी थोड़ा सा अलग लग रही है, हालांकि ये विंडो स्विचेस थोड़ा पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं इसे कन्वीनियंट पोजीशन है, मुझे तो कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं लग रही बल्कि इनकन्वीनियंट पोजीशन। हालांकि पैसेंजर को यूज़ करने में आसानी होगी जो काफ़ी बेहतर है, हो सकता है शायद इसीलिए सोचा हो कि ड्राइवर बिजी होगा तो पैसेंजर वाला पीछे की सीटों के भी विंडो रोल डाउन कर सकेगा। मैनुअल एक अच्छी चीज़ है कि इसे डे नाइट का ऑप्शन दे रखा है, एंट्री लेवल में डे नाइट का ऑप्शन, ग्रेट जॉब, रियली काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर टिकट होल्डर्स है, अच्छा इसमें वैनिटी मिरर दे रखा है,
माइक्रोफोन, ग्रेट जॉब, और बिल्कुल सही पोजीशन पे है, यहाँ से बात करने में ज़्यादा आसानी भी होगी। यार बात तो माननी पड़ेगी, इंटीरियर काफ़ी अच्छे से लेआउट किया गया है। सीटों पर अगर आप ध्यान देखें, ये देखिए है तो क्लॉथ लेकिन कुछ अलग टेक्सचर्स का है, इधर टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है। सीटें कंफर्टेबल लग रही हैं, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा उम्मीद किसने की है, जितनी उम्मीद की उस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। ऑल गुड, मेरे हिसाब से सही है। प्राइजिंग की बात कर ली जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, प्राइजिंग इसकी रखी गई है 3,89,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, और 3,89,000 रुपीज़ के हिसाब से मुझे तो काफ़ी बेहतर लगी। हालांकि वो अलग बात है कि उस वेरिएंट में कोई एसी वगैरह भी नहीं है, जो काफ़ी मतलब बहुत अलग सा लग रहा है, लेकिन कार इटसेल्फ काफ़ी अच्छी है। हाँ, आप इसको अगर परचेज करना चाहें तो मैं आपको कहूँगा वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो है मैग्ना और स्पोर्ट, और आस्टा भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। आपको सीएनजी के ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि मैग्ना और स्पोर्ट के साथ है, और वहीं एएमटी भी आपको जो मिल रहा है वो भी मैग्ना और स्पोर्ट वेरियंट के साथ मिल रहा है। ये आपको टॉप एंड वेरियंट मिल रहा है। एक और जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी वो ये, एएमटी के साथ सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों अगर साथ में होते तो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि सबको एएमटी भी चाहिए और सीएनजी भी चाहिए। हुंडई प्लीज़ इसको कंसीडर कीजिए कि एएमटी और सीएनजी को साथ में लाने की कोशिश कीजिए। कार मुझे देखने में अच्छी लगी, 389 से स्टार्ट होकर प्राइस पहुंचती है 5,64,000 रुपीज़ के पास तक, और जो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। मेरे हिसाब से ये कार अब टियागो, सिलेरियो, वैगनार, इवन क्विड, रेडिगो और काफ़ी हद तक स्विफ्ट के भी कई मॉडल्स की सेल खा सकती है, स्पेशली लो एंड मॉडल की। कार के बारे में अभी बहुत ज़्यादा कहना जल्दबाजी है, हालांकि गाड़ीफाई टीम ने इस कार को ड्राइव भी कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ड्राइविंग बाकी है, जैसे कि नाइट ड्राइविंग वगैरह, उसको कंसीडर करने के बाद, उसको चलाने के बाद ही हम बता पाएंगे एक्चुअल इस कार का रिव्यू कैसा है। अभी तो मैंने आपको वॉक अराउंड दिया और कुछ खास फीचर्स इसके बारे में आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही मुझे ये बताइए कि आप सेंटो से और क्या एक्सपेक्ट करते थे, क्या क्या चीज़ें बेहतर आप और उम्मीद में थे, अगर कुछ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। साथ ही मुझे ये भी बताइए इसका असली कंपटीशन किससे होगा, और यह पहले मंथ में यानी कि अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में कितनी फिगर में गिनती में सेल कर सकती है। हालांकि अभी तक 23,500 यूनिट की बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है, जैसा कि हुंडई ने पहले 13 डेज के हिसाब से क्लेम किया है। गिनती तो बहुत अच्छी है, अब देखते हैं हुंडई किस हिसाब से प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाती है। हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में देना, कर नहीं अच्छा लगा हो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत करें, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में बात किया करता हूँ। ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में, देखते रहिएगा आस्क कार गुरू।